नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। सरकार में बैठे हुए लोग झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हमारा बेरोजगार परेशान, किसी भी जिधर आप नजर दौड़ाइए सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी चीजों से निजात पाने के लिए गांव की भी और शहर की भी आम जनता ने सरकार बनाने का काम किया है। कुछ जगह जरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक दबाव की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव की वजह से, खरीद फरोख्त के माध्यम से कुछ समीकरण जरूर गड़बड़ करने का काम किया है। फिर भी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, बदलाव चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिंगरौली जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। जिन साथियों ने, चुने हुए हमारे प्रतिनिधियों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, उनको सबको बधाई देते हैं और सिंगरौली जिले के जनता जनार्दन का भी हम धन्यवाद करते हैं, उनको भी बधाई देते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद, सभी जगह आपने जिताया है और ये बदलाव विधानसभा और लोकसभा में भी दिखाई देगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है पंचायत चुनाव में, इसका विधानसभा चुनाव 2023 में क्या असर रहेगा? पूरा असर रहेगा, ये पूरी तरह से परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। जिस तरह से देश में, प्रदेश में लोगों को ठगने का काम किया है, झूठ फरेब की राजनीति शुरू की है, शहर में स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, क्या क्या नारे नहीं दिए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई आधी कर देंगे, 15 लाख रुपए खाते में लाके डाल देंगे, काला धन लाएंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसी भी विषय पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है, पूरी तरह से फेल हो गई है जन आकांक्षाओं पे, और जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाना चाहती है और सबक सिखाएगी। जिस तरह से आज हर वस्तु पे, खाने वाले सामान पे, सब पे जिस तरह से GST लगाया है, महंगाई में ढकोस दिया है, इन सब चीजों का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। चुनाव में बदलाव की बात कर रहे हैं, मेयर चुनाव में क्यों पीछे रह गए? मेयर चुनाव में कुछ इंटरनल मैटर था, उस पर कांग्रेस पार्टी समीक्षा कर रही है। कुछ हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर कुछ कमियां थी, कहीं न कहीं हम लोगों ने प्रदर्शन में कुछ न कुछ कमजोरी की है, जिसकी वजह से जनता बदलाव चाह रही थी। शुरू में जो आखिरी तक माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में था। आप पार्टी कोई मजबूत नहीं है, कुछ अपने लोगों ने भी कहीं न कहीं कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, पैसा चला है। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आम जनता की सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते हैं, और उस बात को लेके हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ भी परिवर्तन होगा, पूरी तरह से भाजपा की सफाई। नगर निगम में अध्यक्ष बनाया जाएगा आपका, जब आपके पास आंकड़े नहीं है? ये तो वक्त बताएगा। अगर पार्षद जीते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं तो बनाने में क्या हर्ज है, ये तो पार्षद तय करते हैं ना। आपकी सरकार बोलेंगे छल कर रही है हमको। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।